हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मशीन मेट और मैं हूँ कृष्णा। तो इसके पहले के जो ट्यूटोरियल थे उसमें हमने देखा था कि जो इसके बेसिक रिबन टेब है उन सब के बारे में सीखा था। तो आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे होम टैब के अंतर्गत कॉपी पेस्ट, कॉपी इमेज और ये क्लिपबोर्ड के बारे में, उसके बाद सीखेंगे एट्रीब्यूट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो सपोज इन सब को शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि डिजाइन करने से पहले हमको जो बेसिक इसके टूल्स होते हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इन सब को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा व्यू के बारे में। तो व्यू में सबसे पहले जो मैनेजर्स आते हैं इनकी बात करूँगा मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्राइंग करने के लिए कोई भी चीज़, और मशीनिंग करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जानना ज़रूरी है। तो ये जो मैनेजर है, इसमें लेवल का मैनेजर है, सॉलिड है, पैनल है, और रिसेंट जो फंक्शन है वो उसके बारे में दे रहा है। तो इसको एक्टिव करने के लिए हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। और उसके पहले जो भी है हमारा जो सॉफ्टवेयर का 0 पॉइंट है, होम वर्जिन है, उसको हम ऑन करेंगे। यहाँ से क्लिक कर सकते हैं सॉफ्ट की, या फिर F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम सॉलिड ओके कर देंगे तो ये जो इसका बॉक्स आ गया है प्लेन का भी आ गया, यहाँ से हम ऑन कर देंगे। और ये रिसेंट फंक्शन का है, तो जो मैनेजर है यहाँ पे हमारे ये सभी अभी चालू हो गए हैं। और अभी तो हम डिजाइन सीख रहे हैं तो डिजाइन में इतना सीखेंगे, और जब मशीनिंग में जाएंगे तो यहाँ से मशीनिंग भी चालू कर देंगे। तो यहाँ पे मशीनिंग का भी जो है हमारा टेप वो दिखने लगेगा, और यहाँ से कैसा रखना है, फ्लोटिंग रखना है, डॉकटिंग रखना है, ऑटो हाइट रखना है, हाइट रखना है, तो ये ऑटोमेटिक इधर सेव हो जाता है। ऐसा कर देंगे तो ये इस तरफ आ गया, अभी सब के सब आ गए, सॉलिड, लेवल, डिसेंट सभी, मतलब ये हमारा काफ़ी स्पेस फ्री हो जाता है डिजाइन करने के लिए। और जो यहाँ पे है इसको हम Ctrl+F1 करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, और एक्सपेंड करना हो तो फिर वापस हुए की प्रेस करेंगे तो ये लॉन्ग हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी ड्राइंग है, अभी ऐसा कोई ड्रॉ किया हुआ सर्कल है या फिर लाइन है, ऐसा कोई ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट एन एग्जांपल। तो भी हम होम रिबन के अंतर्गत है, तो हम देखेंगे कॉपी पहले, फिर कट और पेस्ट करेंगे, कॉपी इमेज करते हैं, देखते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करना है और फिर हमको पेस्ट करना है, नहीं हुआ है फिलहाल, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कॉपी मारते हैं। अभी ये दिख रहा है तो इसको पेस्ट करके देखते हैं एक बार, अभी दिख रहा है इधर। तो ये पूछ रहा है कहाँ पे पेस्ट करना है आपको, सेट मेन लाइन स्टाइल ये सब पूछेगा आपको कहाँ पे रखना है। तो ये सब करने के बाद आपको जस्ट ओके देना है, यहाँ पे ही पेस्ट करके दिखा रहा है। तो इसको कट करके देखते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे ओरिजिन रहेगा वहाँ पे ही जाएगा, तो इसको Ctrl+Z कर देते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके हम क्लियर कलर कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्लियर हो गया। अब इसको कट करके देख लेते हैं, कट करने के लिए सेलेक्ट किया, सेलेक्ट और ये कट किया। इसके बाद हमको पेस्ट करना है, ये पूछ रहा है सभी सेटिंग, सेट टू मेन कलर, सेट टू मेन लाइन, अभी आपको बताया सेट टू मेन लेवल, जिस पे जहाँ था वो आपको चाहिए। तो आप इसे कॉपी और पेस्ट का इसका ऐसा ही है सिस्टम, यहाँ से करते हैं कॉपी और पेस्ट के लिए ये फंक्शन यूज करते हैं। और इसके बाद जो हम सीखेंगे वो एट्रीब्यूट है, तो ये इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले, यहाँ से डिलीट एंट्री या F5 दबाएंगे तो भी हो जाएगा कीबोर्ड से डायरेक्ट। तो सबसे पहले हमको लाइन और आर्क ड्रॉ करने से पहले अगर हम
कोई भी डिजाइन शुरू करते हैं उसको ड्रॉ करने से पहले हम अगर एट्रीब्यूट एक्टिव कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये ऐसा सेटिंग देता है मास्टर गेम कि आपको पॉइंट ड्रॉ करना है, अगर आप पॉइंट ड्रॉ करते हो तो कहाँ पे जाएगा, लेबल नंबर किस में जाएगा और वो कौन से कलर का चाहिए आपको, उसकी स्टाइल कौन सी है, इधर से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल है, पॉइंट है, प्लस है, ये सभी है, राउंड है, स्क्वायर है, टेपिंग का है, तो जो भी आपको रखना है, और लाइन लाइन का आपको कौन सा कलर चाहिए, लेबल किस में डालना है, स्टाइल कौन सी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, उसके बाद जो आर्क है, आर्क का इस मतलब हम सभी ऑन कर देंगे, जो हमको ज़रूरत है सॉलिड चाहिए। अभी इसमें क्या दे रहा है कि डायमेंशन का भी दे रहा है, मैं ज़रूरत की चीज़ें ऑन करता हूँ जो भी टैब हैं, उसके बाद फिल करेंगे यहाँ पे कलर का और लेबल डालेंगे, देखते हैं लेबल हम डाल देते हैं सीरियल वाइज। तो सबसे पहले इसमें एक डालते हैं, इसमें कर देते हैं दो नंबर, उसके बाद वाले में हम करेंगे तीन नंबर, इसमें चार नंबर लेबल, और ये करेंगे हम पाँच नंबर। इसके बाद का जो कलर एक है ये दिख रहा है इसमें, तो हम दूसरा कुछ डाल देते हैं दो नंबर, या फिर हम इसमें कर देते हैं बारह नंबर रेड है वो एंटर कर देने का, बाद में काफ़ी अच्छा रहता है ड्राइंग के लिए। इसमें हम चौदह नंबर डाल देते हैं, येलो कलर दिख रहा है तो इसमें तेरह कर देते हैं, दूसरा हो गया, ये 16 कर देते हैं, मतलब 256 तक देता है ये कलर का जो नंबर है, काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। उसके बाद इसमें दूसरा कुछ अप्लाई कर देते हैं, दस नंबर दिख रहा है, 130-150 करते हैं, देखते हैं क्या है, सब अलग अलग है, जो भी है 1 to 256 या 7 है कन्फर्मली, इससे ज़्यादा नहीं है, और ओके कर देंगे। बाद में यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे जो भी पॉइंट का स्टाइल दिख रहा है वो है, ये लाइन की स्टाइल है, ये थिकनेस है। तो अभी हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे, सपोज कि ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा वायर फ्रेम टेम में, तो हम पॉइंट ड्रा करेंगे, तो पॉइंट ड्रा करते हैं, तभी ये कलर दिख रहा है ब्लू कलर का, ये थ्रेड पॉइंट हम ड्रा करते हैं दिख रहा है इधर, कट पॉइंट, सब अलग अलग एप्लीकेशन है यूज करने के लिए। तो ये पॉइंट मैंने ड्रॉ किए, तो इसके कलर जो दिख रहे हैं अभी, जो हमने सेट किया है वही है, देख लेते हैं एक बार, जो पॉइंट है वो ब्लू कलर का है, एक नंबर कलर का, ओके कर देते हैं। फिर दूसरा हमने सेट किया था लाइन के लिए, जो लाइन के सेट किया था लाइन के लिए, अब इसको हम लाइन डोर के देखते हैं, रेड कलर आ रहा है, आया, ऐसे ही जस्ट पिक किया, ड्रॉ किया। तो लाइन के लिए अभी जो कलर ये दे रहा है वो हमने रेड सेट किया था 12 नंबर का। फिर दूसरा हमारा जो है वो देखते हैं कि ये दे रहा है आर्क, आर्क का मैंने पिंक सेट किया है 13 नंबर। तो 13 नंबर जो कलर सेट किया है हमने वो देखते हैं, पहले सर्कल यहाँ से ड्रॉ करते हैं, कुछ भी सर्कल जस्ट पिंक दे रहा है। तो इसके सारे एप्लीकेशन है कि यहाँ से जो इसका कलर है पॉइंट का, लाइन का, आर का, अगर हम पहले से डिफाइन करते हैं तो काफ़ी बेटर रहता है हमको। और देखते हैं जो अभी हमारा जो लेवल है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया है, कि पॉइंट में कितने एंट्री है, और दूसरा जो लाइन हमारा कहाँ जाएगा, और सर्कल कहाँ जाएगा, आर्क कहाँ जाएगा, वो ऑटोमेटिक डिफाइन कर देता है अगर हम यहाँ से एट्रीब्यूट अगर ऑन कर देते हैं तो। जो एंट्री एट्रीब्यूट मैनेजर है ये काफ़ी बेटर है अगर हम ऑन करके बनाए तो, इसको अप्लाई कर देते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अभी इसकी जो रही बात थिकनेस की, अगर हमको इसको मान लो कि डेस में चाहिए तो यहाँ से कर देंगे, अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, और फिर इसके बाद नहीं चाहिए तो हम कंट्रोल जेड करेंगे या अंडो कर देंगे। फिर इसके बाद में हमको थिकनेस वाली लाइन चाहिए मान लो, तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे सेलेक्ट करके,
और जस्ट उस पर क्लिक करना है तो सेट हो जाता है। दूसरा जो है इसमें क्लियर कलर, अभी ऐसा दिख रहा है मान लो सभी, मेरे को कलर क्लियर करना है कि सभी एक जैसा दिख रहा है अभी, यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो इसके बारे में जो डिटेल से इतना ही है। अभी दूसरे जो हमारे रिबन टेब है, होम रिबन के अंतर्गत दूसरा जो है वो जेड का है, ये 3D अपने ड्राइंग दौड़ते हैं तो उसमें यूज होता है। बाकी जो ये है ये हमारा लेवल का दे रहा है कि आपको लेवल में स्टार्टिंग कहाँ से करना है, सपोज कि एक नंबर से करना है, दो नंबर से, आपको जहाँ पे प्रीफर्ड लगता है आप वहाँ से सेट कर सकते हो। तो दूसरा और डिलीट करने का ऑप्शन है हमारा, डिलीट डुप्लीकेट, देखते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आप पॉइंट डुप्लीकेट 0 है, लाइन आर्क स्प्लाइन डायमेंशन नोट बिटनेस लेडर क्रॉस हैश कॉपीज सरफेस कुछ नहीं है, 0 है। तो हम इसको डिलीट करेंगे नॉन एसोसिएटिव, अभी सेलेक्ट कर लेना है और एंड ऑफ सिलेक्शन कर देना है तो डिलीट हो गया। नहीं चाहिए, वापस चाहिए हमको, ना डिलीट करना है तो वापस कर देंगे, अन डिलीट कर देंगे तो वापस ये आ जाएगा। तो आज हम इतना सीखेंगे, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कॉपी और पेस्ट का यूज कैसे करते हैं, एट्रीब्यूट को सेटिंग करना और अप्लाई कैसे करते हैं, और इसके अंतर्गत हमने सीखा लेवल कलर स्टाइल विड्थ, और दूसरा क्या है ऑर्गेनाइज लेवल है, ये आप जहाँ से भी डालो, दो नंबर भी डाल सकते हो क्योंकि ये लेवल का ही है, लेवल सेट करने के लिए है। दूसरा क्या डिलीट करने के लिए है, इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।